वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं शीशे के आगे से। आज का व्लॉग मैंने अपने कमरे और रूम से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि रूम थोड़ा थोड़ा सा मैसी है, जिसकी वजह से आपको पता ही है, कल भी मैंने अपने व्लॉग में शेयर किया था, मेरी सिस्टर्स आई हुई हैं। तो जब इंसान को रहने की आदत पड़ जाती है तो फिर डिफरेंट होता है सबके सामने सब चीज़ों को प्रॉपरली सही करना, ठीक करना, गाइड करना। और वैसे भी गर्मी अब तो शदीद आना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आज मैंने गर्मी के कपड़े निकाल दिए थे। एक तो गर्मी आना और जाना, सर्दियों के कपड़े निकालना रखना एक इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बाकी तो मैंने अपने कमरे को क्लीन कर दिया था। इधर मैं और मेरी छोटी सिस्टर सोते हैं, इधर मेरी अलग एक सिस्टर सोती हैं। वो कहती हैं मैं आपके साथ बीच में सो नहीं सकती, क्योंकि मुझे आदत रही अब अकेले सोने की, फिर मैं सेपरेट में सोना बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से व्लॉग, फिर मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ डेली रूटीन शेयर की जाए। और साथ ही साथ हमारा टेबल भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, टेबल पे खाना लग चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, जिसमें आज मैंने सलाद बनाया है, पुदीने की चटनी और साथ मिक्स वेजिटेबल का सालन बनाया है। साथ ही साथ रोटी भी बन के आ चुकी है और ये सब खाना खाने लगे हैं। सामने मेरे फादर हैं, वो सब बैठ के अब टेबल पर खाना खाने लगे हैं। मेरी सिस्टर उनको सालन डाल के दे रही हैं। तो आज मैंने आलू मटर गाजरों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे व्लॉग पे मौजूद है, जिसको चाहिए वो जाके देख सकता है और वो इस व्लॉग को देख के शेयर भी कर सकता है। साथ ही साथ मैंने डिफरेंट तरह से सलाद बनाया है, ब्रिक ब्रिक काट के, जिसमें वो आसानी से इजीली खाया जा सकता है रोटी के साथ। और साथ ही साथ पुदीने की चटनी है, जिसमें मैंने हरी मिर्च, पुदीना और साथ थोड़ा सा धनिया और साथ अनारदाना डाल के उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह से बना ली थी। साथ ही साथ ये देखे मिक्स सलाद है, मिक्स सलाद मैंने खुद काट के अच्छी तरह से चॉप किया था, और मिक्स वेजेस है जो ऑलरेडी जिसका व्लॉग मैंने अपने चैनल पर बना लिया हुआ है। आए अब दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और अपने किचन में चलते हैं। ये हमारे बाहर का व्यू, हम अब किचन में आ चुके हैं। दूसरी रेसिपी, एक साइड पे मेरी मामा रोटियां बना रही हैं, दूसरी साइड पे आज हमारे घर में मीठे चावल बन रहे हैं। कुछ लोगों की फरमाइश थी मीठे चावलों की और उनको मीठा खाने में बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मीठा चावल खाने से पहले, बनाने से पहले मैंने आधा घंटा पहले चावलों को अच्छी तरह से वॉश करके धो के रख दिया था। और अब मैंने उसके लिए एक मतलब पतीली में, छोटी सी पतीली में पानी ले लिया था, क्योंकि तकरीबन मैं सिर्फ एक गिलास पका रही हूँ। मेरी सिस्टर ने कहा था कि उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है मीठे चावल खाने का, तो इस वजह से मामा का क्यों ना बना लिए जाएं। अब पानी उबलना शुरू हो चुका था, जिसमें मैंने चावल को अच्छी तरह से निचोड़ के डाल दिया था। चावलों का पानी भी पकना शुरू हो चुका है। जब चावल अच्छी तरह से पक जाएं, जिसमें चावलों में एक कनी रह जाएगी, तो फिर हम चावलों को निचोड़ लेंगे और साथ ही साथ आपके साथ आज मीठे चावलों की रेसिपी शेयर करेंगे। दूसरी तरफ हमारी रोटियाँ भी पक रही हैं, क्योंकि सब खाना खाने आ चुके हैं। थोड़ा सा ऐसे ऐसे खाना बनाना लेट हो जाता है, क्योंकि गैस चली जाती है, एक बजे आती है, इससे पहले नहीं आती। शदीद गर्मी का भी सामना है, पर गैस और काम उन्होंने अपने मुताबिक ही करना है। अभी हमारे चावल पक रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमें इस वक्त आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप हमारे छोटे से किचन को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए बेहतर और न्यू वीडियो ला सकें और आपको, आपके सामने अपने न्यू वीडियो और व्लॉग को शेयर कर सकें। आपने मीठे चावल पकाते हुए एक चीज़ का ज़रूर और लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि आपके चावल ज़्यादा नरम ना हो, बिल्कुल टूटे ना। जब चावल बिल्कुल टूटेंगे नहीं, तो आपके मीठे चावल बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा अच्छे ही रेडी हो जाएंगे। आप अगर उसको ज़्यादा पका लेंगे और उसको दम के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो आपके चावल नरम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जुट जाएंगे और ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनेंगे। इसलिए आज की रेसिपी थी, लंच के टाइम मैंने मीठे चावल बनाए हैं, बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया है मैंने मिक्स वेजेस रेडी की है, जो इसकी रेसिपी मेरे व्लॉग में मौजूद है। मैं ऑलरेडी मिक्स वेजेस की रेसिपी बना चुकी हूँ। मिक्स वेजेस बहुत मज़े की बनती हैं, यही मौसम होता है कि आप इन वेजेस को खाएँ, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और टाइम टू टाइम बहुत फ़ायदा भी देती हैं। साथ ही साथ रोटियां भी बन रही हैं और चावल भी बॉयल होना शुरू हो चुके हैं, अंदर बॉयल आना तकरीबन शुरू हो चुका है। देखिए हम थोड़ा सा इसको हिला लेंगे।
साथ ही साथ मौसम बहुत शदीद किस्म का गर्म होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अब मौसम तब्दील हो रहा है। बच्चों की तबीयतें ख़राब होनी या बुखार मतलब आम है। आज मेरे भाई की तबीयत नहीं थी ठीक, उसने बेड पे विल विल के ना मामा के और देखे जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मैसी तरीके से कर दिया हुआ है। और भाइयों को क्या आएगा, कोई ठीक कर देगा, नहीं तो पड़ा रहे ऐसे ही, उसे इससे कोई मतलब नहीं। आज वो सुबह से उठ के बाहर नहीं गया, सुबह से सो रहा है, नाश्ते के बाद से सो रहा है कि जी बुखार हो गया हुआ है। मैंने उससे कहा भी है, मम्मा ने भी और बाबा ने भी मौसम की चेंजिंग का, उससे पहले मेरी भी तबीयत ऐसे ही थी और मम्मा की भी ऐसे थी, तो अब वो भी रह गया था तो उसकी भी ऐसे ही रहनी थी। उसके बाद सब इधर बैठे हुए थे, ऐसा से हम गर्मियों में ज़्यादातर इधर बैठते हैं, तो थोड़ी सी ऊपर से ठंडी हवा आती है जिसकी वजह से जो मौसम और वेदर चेंज होने के साथ साथ ज़रा इधर बैठने से सुकून मिलता है। और उस कमरे में बैठ के सब अपना लंच कर रहे हैं। साथ ही साथ अब हम किचन में दोबारा आ चुके हैं देखने के हमारे चावल बॉयल हुए हैं कि नहीं हुए। मम्मा देखिए, अच्छा सर मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये पक गया, इसकी कनी रखनी है कि नहीं, इसलिए मैंने अपनी मामा से पूछा था कि मामा देखें कि इसकी एक कनी रह गई है, इसको निचोड़ दिया जाए कि नहीं। तो मामा कह रही थी कि हाँ मतलब पक चुके हैं, एक कनी रह चुकी है, तो अब इसको हमने मतलब इसको अब निचोड़ देते हैं, निचोड़ के एक छानी में अच्छी तरह से निचोड़ देते हैं ताकि इसका पानी अच्छी तरह से रिलीफ हो जाए, फिर हम इसके मीठे चावल बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मीठे चावल बनाने से पहले इसको अच्छी तरह से चावलों को बॉयल कर लेना होता है। बॉयल करने का मकसद ये होता है कि आपके मीठे चावल आसानी और इजीली रेडी हो जाएं। और दूसरी तरफ हमारे माशाल्लाह से मेरे चावल बिल्कुल बॉयल आ चुका है, रेडी हो चुके हैं। अब इसका पानी ज़्यादा मैं निचोड़ लूँगी, फिर आपके साथ अगला प्रोसेस साथ साथ शेयर करूँगी। चावलों को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, उसका ज़्यादा पानी एक छालनी में डाल दिया है कि इसका ज़्यादा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और साथ ही साथ मैंने पतीले को इस तरह रख दिया है कि इसमें थोड़ा सा अगर पानी खुश्क हो जाए। सबसे पहले हम इसमें ऑयल को ऐड करेंगे, इतना ऑयल ऐड करेंगे जो हस्ब ज़रूरत हो, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे, फिर ज़्यादा ही मतलब ऑयल वाले चावल हो जाएंगे, इसलिए आप कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें। ले जी, अब हमने ऑयल को ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़ा सी इलायची को ऐड करेंगे, गरम हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम ऑयल गरम होने के बाद इलायची को ऐड करेंगे। ये देखें, इलायची ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आपने एहतियात से डालना है कि आपके ऊपर ऑयल की कोई छींट ना डले। पानी गरम होने के बाद इसमें हम चीनी को ऐड करेंगे। जितने आपके पास चावल है उसका आधा हिस्सा हम चीनी को ऐड करेंगे। अब इस पानी में हम अच्छी तरह चीनी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने का ये मकसद है कि इसकी एक ये चाशनी की शक्ल में तैयार हो जाए, जिसको हम चाशनी कहते हैं। पर इस मीठे चावल बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, इसकी मैंने सबसे पहले चाशनी नहीं रेडी की। अभी हम चीनी को अच्छी तरह से पानी में मेल्ट कर रहे हैं कि ताकि इसकी एक चाशनी बन जाए और इसका जो ज़ायद पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम अपने बॉयल किए हुए चावल इसमें ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद इसमें आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं, उससे ये आपके मीठे चावल रेडी हो जाएंगे। अभी हमारे पानी चाशनी का पानी रेडी हो रहा है, जब ये अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा तो हम अपने चावलों को ऐड करेंगे आपके सामने, फिर आपको इसका लास्ट व्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी है तो इसको अच्छी तरह से अभी हमने चाशनी की शक्ल देनी है कि पानी ज़्यादा ना रहे, खुश्क हो जाए। चाशनी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, अब हम अपने बॉयल किए हुए चावल इस चाशनी में ऐड करने लगे हैं। आपने सारे चावलों को आराम आराम से इजीली ऐड करना है। देखें इसकी कितनी प्यारी सी मतलब इलायची की खुशबू आ रही है,
ये हमारे मीठे चावल रेडी हो रहे हैं। हमने सारे चावलों को अच्छी तरह से ऐड कर देना है, कोई भी चावल आपने ज़ाया नहीं करना। चावलों को अच्छी तरह से अपनी चाशनी में ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा पानी है ना जो चाशनी का, वो अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है ताकि मीठे चावलों में इसकी चाशनी का पानी अच्छी तरह से मिल जाए, मतलब चीनी घुल जाए, और जिससे चावलों का, मीठे चावलों का जायका अच्छी तरह से आ जाए। मैं ज़रा थोड़ी देर बाजी के घर जा रही हूँ, आके आपको लास्ट व्यू दिखाती हूँ। एक काम पर गया था मुझे उनके घर जाना, हमारे घर के साथ ही उनका घर है, तो मैंने कहा ज़रा मैं एक काम करके उनके घर जाती हूँ। मैं जी हम उनके घर आ चुके हैं, अपना काम कर लिया है, अब मैं अपने घर की तरफ वापस जा रही हूँ। सामने एक हमारे पापा जी की कब्र भी है, अब मैं अपने घर वापस आ रही हूँ। आने के बाद सबसे पहले मैं अपने किचन में आई हूँ अपने मीठे चावल देखने के लिए, क्योंकि आज रेसिपी मैं मीठे चावलों की शेयर कर रही हूँ। अभी इसका पानी ड्राई बिल्कुल भी नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी ड्राई होना बाकी रह चुका है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई होगा तो फिर हम इसमें दो कलर ऐड करेंगे, एक ग्रीन और एक जरदा रंग। सिर्फ मैंने दो ही कलर मंगवाए हैं, उन दो कलरों को सिर्फ मैं अपने मीठे चावलों में ऐड करूँगी। चाशनी का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, अब इसमें हम अपने दो कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ, ये देखें, कुछ ही ड्रॉप ऐड करने चाहिए, और साथ ही साथ हम थोड़ा सा सेंटर में जरदा रंग भी ऐड करेंगे। ये देखें, अब हम अपने कलरों को ऐड कर लिया, अब हम चावलों को आराम से, जी हमारा जरदा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, जिसकी फुल रेसिपी मेरे व्लॉग में मौजूद है, जो आज का व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया है, रूटीन वाइज व्लॉग, जिसमें मैंने आपका रूटीन का लंच भी अपने साथ शेयर किया है, जो आज लंच में हमने बनाया है और अभी हमने लंच करना है। और इस व्लॉग को यहाँ ही एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपकी सपोर्ट की इस चैनल पर बहुत ज़रूरत है, आप सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह हम आपके लिए न्यू और रोज़ अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।